दोस्तों, ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास घर पे डॉग है दोस्तों। ठीक है, डॉग रखने वाले जो ऑनर है ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में मैं आपकी नॉलेज में डालता हूँ। ठीक है, घर पे रहने वाले ऑनर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऑनर वो होता है जो हाई ब्रीड डॉग लेके आते हैं, वो लेके आते हैं सिर्फ शो करने के लिए, और हाई ब्रीड डॉग की उसको डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं उसके खाने का, क्योंकि जिस तरीके का डॉग है उसके हिसाब से उसकी डाइट भी होती है, हैवी होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ले तो आते हैं खरीद करके लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इस क्वालिटी का कुत्ता, लेकिन वो उसकी या वो बेच हुआ है हाई ब्रीड होना उसका गुना नहीं है। ठीक है, वो हाई ब्रीड डॉग उसका गुना नहीं है, लेकिन हाई ब्रीड डॉग की वजह से उसकी डाइट, उसका रहन सहन वो हाई प्रोफाइल होता है भाई, उससे आगे उसको उसकी डाइट फॉलो करनी पड़ती है, उसको सही तरीके से रखना पड़ता है। कोई डॉग ऐसे होता है जिसको गर्मी बिल्कुल भी सूट नहीं करती, लेकिन लोग ले आते हैं, हस्की ले आते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए आप हस्की है, अरे वो गर्मी का डॉग है ही नहीं। ठीक है, तो गर्मी में कैसे बनेगा, वही मैं तो सैड पर रहने वाला डॉग है, जो चाहे जहाँ ठंड है उस जगह पर रहने बढ़ने वाला डॉग है, वो भोटिया कुत्ता लेके आकर घर में ला के तो कारण दोगे दिल्ली के अंदर, वो बचेगा? ठीक है, कैसे भी रख लो नहीं बचेगा दोस्तों। तो अलग अलग प्रकार के ऑनर होते हैं, एक ऑनर वो होता है जो हाई ब्रीड डॉग लेकर आते हैं सिर्फ शो करने के लिए, लेकिन उसके रिस्पेक्ट और सम्मान उसका खान पान बिल्कुल ध्यान देता है, और काफ़ी लोग को देखा है मैंने गेट के बाहर बांध देते हैं। ठीक है, गेट के बाहर बांध देते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो ना, ये वो लोग करते हैं। मैं जिससे भी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने आपको पंखा दिखाया ना, फिलहाल अभी गर्मी अभी नॉर्मल चली है, लेकिन पंखा दिखा दिया ना, ठीक है, सामने अपना बच्चा दिखा दिया ना, अपना प्यारा सा, ठीक है, दिखा दिया ना चार्ली, ठीक है। अब बाकी दो अपने लीजा और वो नीचे किस तरीके से सो रहे हैं, ठीक है, कितने स्टाइल से किस तरीके से सोते हैं, मैं आपकी नॉलेज में डालता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मेहरबानी करके अभी जो है ना, अगर आप डॉग पालते हैं, अगर आप डॉग ऑनर हैं, आप स्टे डॉग या कोई भी हाइब्रिड डॉग पालते हैं, मेहरबानी करके ना, ठीक है, उसका ख्याल रखना, वो परिवार का हिस्सा है। ठीक है, वो कोई ये नहीं कि आप खरीद के मोल किसी को गुलाम को लेके आए, वो आपके परिवार का हिस्सा है, जैसा आपको खाना पीना है उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट और सम्मान करना है, आपका भी उसका आपका दायित्व बनता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, मेहरबानी करके, गर्मी का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम होता है, तो मेहरबानी के लिए डॉग के लिए ना गद्दे उसके ऊपर फर्श में बिछाने के लिए कोई रुई का या कोई ऐसा गद्दे का इस्तेमाल कीजिए ताकि उनको ठंड लग ले। ठीक है, सही तरीके से उसमें बैठ सके, अपना रेस्ट कर सके, अपना सो सके, और उनको पूरी आज़ादी दे, चाहे वो सोफे में बैठे कहीं भी बैठे। ठीक है, मेहमान नंबर दो पे है, और आपने स्टे डॉग जो आपने जो भी डॉग पाला उसके प्रायोरिटी नंबर वन ही है, हमेशा दिमाग में पूरी बत्ती छोड़ के सुन रहा है। ठीक है, ये भी कि मेहमान आ रहा है और उन्होंने ठक कर आपने उनको कहीं काल कोठी के अंदर बंद कर दिया, भैया जिस मेहमान को दिक्कत है ना, ना आए भाई, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, डॉग हमेशा फ्री और आज़ाद छोड़ो, और घर पर अगर आपके डॉग है ना उसके गले में पट्टा वगैरह कुछ ना बांधे। अगर आप वाली बात करो, मेरे पास 3 स्टे डॉग हैं, जर्मन शेफर्ड भी गोद लिया हुआ ही है, तो स्टे डॉग ही मानता हूँ मैं उसको। ठीक है, हाई ब्रीड ऐसे नहीं लिया, बच्चा ही मासूम बच्चा ही लेके आए थे, और दूसरा हमारा ये चार्ली हमारा वही है। ठीक है, स्टे डॉग ही है, इस पर कीड़े पड़ गए थे, तेजाब डाल दिया, किसी ने इसको ठीक किया, हमने उसको अडॉप्ट किया, उसका लीजा हमारे पास है, किसी ने उसका पैर तोड़ दिया, गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद वो भी कोई लेके आया था, उसको भी हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, जो हमारे परिवार फैमिली मेम्बर की तरह बच्चे की तरह रखना पड़ता है। लीजा हमारे साथ होती है, जैनी कहीं भी सो सकता है, अपना चार्ली कहीं भी सो सकता है, ये कोई मतलब नहीं, सोफा है, बेड है, एसी है, पंखा है, फलाना है, ठिकाना है। ठीक है, गर्मी का मौसम आ गया, तो मेहरबानी करके डॉग इनका भी आपको ख्याल रखना होगा, इनके पानी के बॉल फर्स्ट है, ठंडे पानी के मिट्टी के बर्तन रखना शुरू कर दो, मिट्टी का बर्तन ले आओ खरीद के, और उसके लिए ठंडा पानी रखो। ठीक है, और ये नहीं कि उसको कहीं अगर ये नहीं कि गेट के बाहर बांध के रख दिया दिखाने के लिए, और गेट पे ही बांध के अगर चैन, और घर के अंदर चैन बिल्कुल नहीं बांधे, इस चीज़ का बचा ध्यान रखें। ठीक है, घर के अंदर चैन बिल्कुल, चाहे कितना भी अग्रेसिव खुद है, घर के अंदर चैन वगैरह बांधने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको इस तरह से हैंडल और मैटर करना सीखा हो, ताकि वो मेहमान को किस तरीके से आपने हैंडल करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉग को हमने कैसे वो हैंडल करना है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो, घर के अंदर गले के अंदर पट्टा भी नहीं चाहिए, और मैं आपकी नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ कि कम से कम मैंने 1 लाख का, ठीक है, इनका सामान अमेजोन से भी कंटिन्यू आते रह रहा है, अगर मैं आपको इनका किट दिखाऊंगा तो ठीक है, 1 लाख से ऊपर का किट मैं मंगा चुका हूँ, 1 लाख से ऊपर का किट मंगा चुका हूँ इनका चैन लगा देगा, चाहे इनकी गोल्ड चैन है, चाहे इनके गले के पट्टे हो, चाहे इनकी बॉडी कवर हो, कुछ भी कोई भी, चाहे इनका डॉग टैग हो, ठीक है, इनका हमने वैलिडिटी टैग हो, हमने मैं कोई कमी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे परिवार का मेंबर है, हमारे बच्चे हैं ये, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, गर्मी के अंदर जो है इनको ठीक है प्रोवाइड करें, कहीं भी सोएं। अभी
अब इसको इसलिए बिस्तर का वो बिस्तर अमेजोन से जो हमने बिस्तर मंगाए थे वो बिस्तर आउट कर दिया, हमने फेंक दिया क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं एक सीजन, उसके बाद उनका कोई मतलब रहता है। तो अगले सीजन हम नहीं लेंगे, जो नहीं ले पाते, जो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो वह है, तो वो कोई भी नॉर्मल चादर के अंदर भी भर के या कोई मोटे कपड़े वपड़े पुराने कपड़े ठोक के उसको जो है सर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए डॉग के लिए। अभी गर्मी का सीज़न आ गया तो ये जहाँ सोएंगे उनकी उसकी आज़ादी है। गर्मी में फर्श में अगर उनको लगता है कि फर्श में उतनी गर्मी से निजात नहीं मिल रही है, तो भैया ये देखो सोफे में आके आराम से सो रहा है, ठीक है, आराम से बच्चा सोया हुआ है, ठीक है, गले में कोई पट्टा नहीं होगा, दो तो घर के अंदर कोई पट्टे हुए कुछ नहीं बांधना है, फ्री बॉल छोड़ना है, इनका खाने का सामान हमेशा रहना चाहिए, और जितना वो पैड भी जो चाहे कोई भी इनका एक टाइम खाने का बंदोबस्त होना चाहिए, पानी कंटिन्यू रखा हुआ होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया है। अभी दोस्तों बच्चा सोफे में आके सोया है तो ऑलरेडी पंखा उसका हमने चलाया हुआ है, और ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका आपका घर मेन रोड पर है ना, और आपने इस तरीके से वो कर रखा मतलब आपका जो बरंडा खुला टाइप का है, तो हमारा स्टोर लगा के अगर स्टे करते हैं तो बाहर का जो आपका आंगन के ऊपर पंखा लगा ना, उसको प्लीज़ आप खोल दीजिए। काफ़ी लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सज्जन लोग होते हैं जो पंखा खोल कर रखते हैं और स्टोर लगा के रात को वहाँ स्टे करते हैं और सुबह वहाँ से निकल जाते हैं, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करके जहाँ सोते हैं इनको कोई ये नहीं कि तू यहाँ नहीं बैठेगा तो वहाँ नहीं बैठेगा, तो सुबह से उठ बैठे कोई नहीं उठ, ठीक है। ये देखो ये टेबल दिख रहा है, ये दिख रहा ना, तो ये सामने दिख रहे हैं चिपकाए हुए वो डॉग के वे बच्चे। तो दोस्तों इनके साथ ना वही बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करना है, अपना परिवार का सदस्य आप अपने बच्चों को प्यार करते हो उसी तरह से इनको प्यार करना है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और सर्दी के मौसम गर्मी के मौसम जहाँ सोते हैं उनको सोने देना है, कहीं भी सोए, हमारी तरफ से ये बिस्तर फाड़ है गड़े इसका कोई वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। अपना सिस्टम दूसरा है, बस प्यार से रखना, हमारी जवाबदारी हमारी रिस्पॉन्स बनती है, तो हमने रखा हुआ है ये दिख रहा है ये, और आराम से यहाँ पे सोया हुआ है। तो इसलिए मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इनके जो है ठीक है थोड़ी छोट रखें, और ये इनकी मेहमान कालकोट में बनते हैं, बच्चे रह पा रहे खेत पर परमानेंट बांध के ना रखें, ठीक है। कोई किसी को होता है कि छत के ऊपर बांध के बारिश आ रही है आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचता है अरे ये भेज हुआ है या बदल तो बोल के नहीं कहते हैं, लेकिन तरमा से तो डरो है, अपना अंदर से आके बैठ जाते हो, बारिश के अंदर बैठ के छत के अंदर रजाई करते अंदर घुस जाते हो, चाय और आलू में घुट के खाते हो, और ये बच्चे जो है छत में बारिश में चैन में बच्चे भीग रहे होते हैं। अगर शरण करो कर्मा का खौफ रखो, ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है। घंटी बजाओ घंटा दोबारा दुनिया में आना नहीं है, लेकिन ध्यान रखो, ठीक है, दिल में ये सुकून तो रहेगा जिससे हम मरेंगे यार हमने उन बच्चों का भी ख्याल रखा था और सही तरीके से हमने पाला था, ठीक है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होती, भगवान ने इनाम देगा प्राइज देगा लोअर पुरस्कार देगा, इससे कोई मतलब नहीं है, मानते अनुसार जो अपने माँ बाप ने आपको दिए है ना उसके साथ फॉलो करो, ठीक है। ये ठीक है, ये तो ये चीज़ का वैसा ध्यान रखो, और बच्चा आराम से सोया हुआ है तो यहाँ की होगी लाइट ऑफ, ये अपना आप यहाँ से रिलैक्स करें जब उठना उठेगा, ठीक है। प्यार दिल से भरो यार जबरदस्त बड़ा, ठीक है। अब तुम प्यार की बात करते हो, ये देखो ये अपना जैनी है, अपना जैनी देखो जैनी भौरा शुरू कर दिया, ये देखो अपना अपना चार्ली, ठीक है। ये देखो अपना चार्ली रीजा की फोटो बना देखिए, ये हमारा बच्चा पहले था, ठीक है, वाला भी दुनिया में नहीं है, ठीक है, वाला बच्चा भी दुनिया में नहीं है, ये अपना चार्ली है और ये अपना, ठीक है, ये अपना जैनी है, ओके। देखो जैनी कैसे अपने को बहुत एग्रेसिव है दोस्तों, देखो किस तरीके से मेरे को घूर रहा है, क्या है बेटे, अरे पापा कुछ थोड़ी कह रहे, कुछ नहीं कह रहे बेटे, अभी दुद्दू पापा और दुद्दू, ठीक है। ये देखो कोई पट्टा नहीं कुछ नहीं, तो फ्री स्टाइल से चलो दोस्तों, समझने वाले में सारा काफ़ी है। और ये देखो एक और मैसेज, ये देखो दिख रहा ना, ये देखो अभी अभी देखो लीजा भी आ गई है, लीजा लीजा लीजू, ये देखो ये देखो ये लीजा भी आ गई है दोस्तों, कोई वो नहीं करना है, ठीक है। चलो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।